हेलो दोस्तों, नमस्ते। प्रणाम, सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, पहले तो अपने दर्शकों को ऊपर जो कि प्रणाम करती हूँ। अभी मैं रिपीट की टाइम में आप लोग को बिल्कुल स्वागत है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लगा करके देखिएगा, पूरे देखिएगा, तभी अपने टेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो जानते हैं कि हम काम करते हैं और मन ये भी जो मन किसी एक बार ऐसा होता है ना कि मैं किसी से बात ना करूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, मैं कभी कभी मन करता ना कि किसी से बतिया ना बैठ के रहूँ। अपने तकलीफ के बारे में सारा रात में चाहे दिन रहे काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी नहीं। साला हस्बैंड भी है, घर की जिम्मेदारी मालूम ही नहीं रहती है उसको। सारा काम मेरे ही सर पे, सारा काम आटा पिसाना, चावल लाना, राशन लाना, तेल लाना, मसाला लाना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को दिखाना, बच्चे को हर चीज़ करना, सारी जिम्मेदारी मेरे पास रहती है। एक ही बार सोचते हैं ना नहीं कुछ लेके खा, पहले तो खा लेती थी, अब तो कुछ खरीद के खा नहीं पाती हूँ। उसी रास्ते जाती हूँ, उसी रास्ते आती हूँ, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं खा पाती हूँ। दोस्तों, मन में ही होता है कि मैं किसी से बात ना करूँ, लेकिन बहुत मजबूर, बहुत लगता हूँ। इसीलिए आप सभी लोग से सपोर्ट मांगती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो को आप लोग देख नहीं रहे ना, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? और हम घर पे खोल के वीडियो नहीं डाल सकते हैं दोस्तों। मैं कुछ बात कहने से अपने घर में सोचूंगी, दस बार इसलिए सोचूंगी कि हमारे घर हम फैमिली रहते हैं। जैसे अलग कहीं पर घर रहता, खेल रहते हैं, तो मुँह कोई बात आप लोग से शेयर करते हैं, इसलिए बात नहीं शेयर कर पाते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि मैं अब सोचती हूँ कि ये बात मुँह से निकल जाएगी तो लोग अगल बगल सुनेंगे तो झगड़ा होगी, ताना मारेंगे, इसीलिए मैं कोई बात शेयर नहीं कर पाती हूँ। और काम पे रहती हूँ तभी हम ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ। तो कल एक ब्लॉग अपने घर से बनाए थे। घर पे जैसे दोस्तों, मेरे घर जैसे लाइट हो दिन जाता है, फेस सही आता नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा करके घरों घर ब्लॉग डालते हैं। तो दोस्तों, मैं यही आप सभी लोगों से कहूँगी कि मेरी वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दुलार सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि चार पैसा मिले और जुले हम भी कुछ कर सकें अपने बच्चों के लिए। और बच्चे के ही लिए हम करना पड़ा, अगर बच्चे नहीं रहते तो दो दिन नहीं जाते तभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहता। लेकिन यही कहते हैं ना कि कभी मन नहीं होता है कि मैं कहीं काम पे नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं कर नहीं सकती हूँ, मुझे काम पे आने से मन नहीं पड़ रहा था, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो पैसा देगा वो काम लेगा। और मम्मी के भी घर गए थे, भाई का शादी था तो दो दिन से चार दिन रहे, तो इसीलिए हम चले आए कि काम मेरा छूट जाएगा तो हम कहीं का नहीं होंगे। आप लोग भी जानते हैं काम मिला हुआ है, काम छूट जाता तो कैसे हम करते हैं। मेन बात है हमको इसी में घर चलाना रहता है दोस्तों, इसी से पैसे से बच्चे को स्कूल भेजना, घर में क्या क्या करना, घर में सब राशन, बिजली का बिल, गैस का, सब देखना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए हम चले आए। फिर भी हम सोचे कि हमारा ठिकाना वहाँ लगेगा कि नहीं, चाहे मार्केट या गरिया के ठिकाने लगेगा। तो दोस्तों, आदमी लोग भी फायदा उठा लेते हैं, जाएगी तो जाएगी कहाँ, रहेगी यहीं पर। इसलिए मैं आप सभी लोग से अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग सभी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आज तक नहीं।
तो 8 बजे 8 बजे से हो गया, अभी हम काम ही पे हैं। अभी घर पे जाएंगे तो खाना बनाएंगे। और साला बदनामी भी होता है कि वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। आप लोग तो जानते हैं कितना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, फिर पोस्ट किया जाता है, और आप लोग उठा के दूसरे को दे डालते हैं, दिखाते हैं कितनी हम लोग मेहनत करते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखिए, मुझे सारा प्यार दुलार सपोर्ट कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय।